नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। जो IMT यहाँ बनाने की सोची थी हमने खरपौदा के लिए, हमारा यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी थी उस टाइम, यहाँ IMT हमने बनाया था ताकि इलाके की पूरी हो सके। और जो मारुति आई है ये आज से 8 साल पहले, मैं जब जापान गया, 8 से भी ज़्यादा हो गए, जापान गया था। जो मारुति के मालिक हैं वो सुजुकी के जो मालिक हैं, उससे मेरे ये बात हो गई थी कि 3 जगह मानेसर में हर एक IMT रोहतक बनाए वहाँ पे, और खरपौदा में 3 जगह इन्वेस्ट करना था। इनकी वजह से 8 साल तो डिले हो गया, कितने साल भी आएगा मैं कह नहीं सकता। अब तक तो ये कहीं से कहीं डेवलप होकर जाना चाहिए था, इलाका इंडस्ट्री आनी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद जो है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर एक हो गया है। और जो आप कह रहे हो उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए, लोगों ने किया भी होगा इसका तरफ। अगर ये काम जो IMT जो है केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, ये मतलब लोगों को रोजगार देने के लिए है, मुनाफा कमाती है तो जो जमीन का मालिक है उसका भी हक उसमें बनता है। जिला परिषद के जो चुनाव के 5% उनकी कामयाबी हुई है, 102 या कितने उम्मीदवार लड़ाए, 22 आए सिंबल पे, और जो है इनके पास उम्मीदवार ही नहीं मिले। जब सिंबल में पार्टी ने लड़ने का फैसला किया तो और जगह क्यों लड़े? आपको यह मतलब मेरे समझ से बाहर बात है, ये कहना इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जितने इनके आए हैं 5% जो समझो BJP के, और 3% इन लोग 3% आप पार्टी के, कितने हो गए 11% हो ना, बाकी 89% तो लोगों ने आजाद और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को दिए हैं, इस इनके खिलाफ दिए हैं वोट कुछ। आप करवाते रहते हो ना, आप बता सकते हो इस 8 साल में सरकार ने एक भी काम कराया हो? बल्कि जो मारु ये जो IMT जो अब तक बहुत विकास हो जाना चाहिए इसका, उसका भी ठप कर दिया, और अब भी मतलब कहाँ काम तेजी शुरू हुआ। इसको जो IMT डेवलप होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट ही रुक दी। अभय सिंह चौटाला, ये तो पॉलिस जो जितने उस समय है हमारे समय क्या बना हुआ है, IMT हो चाहे कोई हो, इनका एक काम आप लोगों से मैं पूछता हूँ, एक काम बता दो भाई। सर दावा कर रहे हैं 60 किलोमीटर के रेंज में कोई भी दूसरा टोल नहीं होगा, जबकि खरखोदा के आसपास 9 टोल हैं 60 किलोमीटर के दायरे में। देखिए ये तो दावे तो इनके ऐसे ही हैं, दावे तो अभी रोड जारी है मेरठ से, इस रोड को तो इन्होंने कहा था हमारे जरूरत ही नहीं है, चिट्ठी लिखी। सर आप भी जैसे रोहतक से आए हो गए, रोहतक से आते वक्त सोनीपति से टोल पे चढ़ इस पे रोड पे चढ़ते हैं, रास्ता ही ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा चल के आमी सामी होके, तब कोई भी रास्ता ठीक नहीं है सरकार में। सिर्फ एक इनके जो मौजूदा सरकार है इनकी नीति है चार वाक थे जो वो कहते थे भाई कर्जा लो और घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। 3,11,000 करोड़ कर्जा हो चुका है हरियाणा पे, इसका मतलब ये है कि हर परिवार पे 6 लाख का कर्जा हो चुका है, और अभी बढ़ रहा है, और कोई काम नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई इन्होंने, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, कोई थर्मल नहीं, कोई बिजली 1 यूनिट पैदा करी नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं नजर आया। और जो ये रोड बन रही है ये भी हमारे समय के हैं सब, किसान मांग थी। एक तो ये जो किसानों पर झूठे केस बनाए गए उनको केस को विड्रॉ करने दिया, अब तक विड्रॉ नहीं हुए, MSP गारंटी की बात थी, और इस सरकार ने बार बार अपने उसमें कहा कि 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे किसान की, आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लागत कई गुना बढ़ गई, और इसका मतलब ये हो गया लागत बढ़ गई आमदनी घट गई, आज किसान बर्बादी की कगार पे खड़ा है। और तो हर वर्ग है वैसे, गरीब आदमी भी और किसान भी, लेकिन किसान तो आप स्वयं देख रहे हैं ना, तो उसको MSP मिलती। अब तक गन्ने का जो है कीमत इन्होंने अनाउंस नहीं की, गन्ने की कीमत तो ये जो है, कोई भी एक इस सरकार का फैसला
किसान के हित का या जन हित का फैसला कोई एक भी नहीं है। सर किसान आंदोलन करेगा में किसान के ना तो खाद पे टैक्स था कोई, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था। अब किसी पे 28%, किसी पे 12% लगा दिया और कीमत इतनी बढ़ा दी और खाद मिलता नहीं। थानों में खाद बढ़ता है, समय पर खाद मिलता नहीं, तराई तराई मची हुई है खाद के लिए। तो ये सरकार विफल देश में सबसे ज्यादा आपने दिया। हाँ, ये सरकार अब तो इनका पंजाब के बराबर भी नहीं है इनके पास। ये सरकार बिल्कुल जो है विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। सर अगर किसान मैनेजमेंट बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए आपसी कलह में फंसी हुई मुद्दे और जो मैं बता रहा हूँ मुद्दे ही हैं। किसान है, गरीब आदमी है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, कोई बैकवर्ड क्लास से है, दलित है, हर वर्ग इससे रुष्ट है। ये आपके सामने है, आपने देख लिया ये जो जिला परिषद में नतीजा हुआ है, कहाँ खड़ी है बीजेपी। आदमपुर में हार का क्या कारण मानते हुड्डा साहब, जिस तरह से हार हुई कांग्रेस पार्टी की किसकी आदमपुर में किसकी हार हुई? कांग्रेस की तो जीत हुई वहाँ जी। जब हमारी सरकार थी देखिए, और ये अलग पार्टी थी हज का, उस टाइम कुल 10,000 वोट आई थी हमारी कांग्रेस के उम्मीदवार की 14 में। अब 52,000 वोट आई है, चंद गांव में जीते हैं वो। अगर किसान आंदोलन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी या नहीं? मैं तो कह रहा हूँ किसानों के समर्थन में है, उनकी मांगों का समर्थन है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी निकले हुए हैं, 2024 में कितना असर देखने को? देखिए जो जिस प्रकार से मैं अभी तो नहीं गया हूँ, लेकिन जिस प्रकार से सुन रहे हैं और जो उनका रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बड़े जोर से उनका दे रहे हैं, घरों में उनका वो सही वो कर रहे हैं, और यहाँ आएंगे जब पता लग जाएगा, यहाँ 22 तारीख के आसपास आएंगे। सर चारों तरफ पुरानी पेंशन स्कीम की बातें चल रही हैं, कई स्टेट में लागू भी की हैं, तो अगर आगे आपका क्या प्लान है सर? कह चुके हम तो बार बार कह रहे हैं हम पुरानी स्कीम पेंशन स्कीम लागू करेंगे। राजस्थान में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी, हमारी सरकार आते हम करेंगे, कोशिश करते हैं। मेरा यही है कि जैसे जितने भी चुने गए हैं जिला परिषद के सदस्य बैठ कर अपने आप समाधान निकाल के अपना हिसाब से मिलने आए काफी चुने हुए लोग, वही का विरोध उनको। स्टूडेंट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से 2-3 बार गया था, वहाँ गया था, जो इन्होंने बॉन्डिंग बनाया 8 साल का बिल्कुल गलत है। इसका नतीजा ये होगा कि गरीब आदमी और मध्यवर्गीय लोग उसका परिवार का तो बच्चा कब तक नहीं बच सकेगा, और बहुत सारे तो यहाँ से जिनका एडमिशन है वो बाहर ही लेंगे, इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 8 साल की बॉन्डिंग का कोई मायने नहीं। हाँ MBBS की है, यहाँ से सुझा दिए 1 साल का आप कर सकते हो भाई, करने के बाद 1 साल आप जरूर सरकारी जामन, तो वो तो बात समझ में आ सकती है। 8 साल के बॉन्डिंग छोटा सर, हम 218,218 कर्मचारियों की भर्ती की है सर, 2019 विधायक जी। तो हमारा कॉमन कैटरेशन का रहना हो गया था सर, जितना तो कोई मशीन का सहयोग कर तैयार की गई है, जितना हमारे सर्विस रूल बनाए गए और कर्मचारियों का सब सोशल किया जा रहा है, जो सबका शोषण कर रहे हैं, कर्मचारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, पोषण किसका कर रहे हैं सभी का। नहीं आपकी दोबारा नहीं आएगा, सेक्शन आएगा जो बताया हमारे को। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्टटेक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित चिल्ड्रन हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।